हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4440 बोर्ड अभी क्या जो सिचुएशन है, अभी जो हमारा वाट का जो डिमांड है उस हिसाब से 4440 बोर्ड को खरीदना नहीं चाहिए। आपको अगर अच्छा बेस क्वालिटी का साउंड चाहिए तो आपको इस 4440 बोर्ड को अवॉइड करना होगा। हाँ, मानता हूँ कि 4440 बहुत ही अच्छा साउंड देता है और काफ़ी ज़्यादा गेन है, आपको वॉल्यूम काफ़ी लाउड मिलता है, लेकिन आज की डेट में इसको अगर इंडियन मार्केट के अंदर आप लेंगे तो आप पछताएंगे जरूर। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको गौर करना है तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे जो 4440 आईसी है वो बुरा नहीं है, ये लगभग 15 वाट से लेकर 20 वाट तक, 19 वाट तो यहाँ पे लिखा है, लगभग 20 वाट तक इसका आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छा एक आउटपुट है और इसके ऊपर आप 40 वाट से लेकर 60 वाट तक स्पीकर लगा सकते हो। मैं भी बहुत पहले 4440 बोर्ड ही खरीदा था और ये बहुत दिन तक चला है, मैं अभी तक उसका आईसी रिप्लेस नहीं किया हूँ। बहुत ही अच्छा चलता था, साउंड एकदम बढ़िया था, थोड़ा सा यहाँ पे बेस कम होता है, जो कि आज की डेट पे अगर आप बेस लवर हो, अब अगर आपका थोड़ा सा बेस अच्छा लगता है तो आपके लिए 4440 बोर्ड उतना बेहतर नहीं होगा। वैसे अब अगर 40 वाट का स्पीकर ही लेंगे तो आपके लिए तो 4440 ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब अगर 40 वाट के स्पीकर को आप 30-55 ऑडियो एम्पलीफायर से अगर चलाएंगे तो आपको भी खास इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका अगर 40 वाट का स्पीकर है तो आपके लिए 4440 आई सही है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, इंडियन मार्केट के अंदर जो भी अभी 4440 बोर्ड मिलता है उसका हीट सिंक काफी कम रहता है, एकदम पतला हीट सिंक रहता है, और उस दो आईसी को ज्यादातर यहाँ पे स्टीरियो बॉडी मिलता है, उस दो आईसी को कूल करने में उस हीट सिंक कैपेबल ही नहीं है, वो हीट सिंक इतना पतला देता है, उसका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाता। और इसीलिए क्योंकि एक जो भी आईसी है उसका एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर अगर जाएंगे वो ऑटोमेटिक खराब ही होगा। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो 150 डिग्री सेल्सियस के अंदर अच्छी तरीके से काम कर सकता है, उससे अगर ज्यादा जाएंगे तो वो खराब ही होगा। तो यहाँ पे ज्यादातर जो पतला हीट सिंक रहता है वो क्या होता है, वो 150 डिग्री जो सेल्सियस है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे ज्यादा चल जाता है और ज्यादातर यहाँ पे आईसी खराब हो जाता है। लेकिन पहले दिन में जो भी आपको 4440 वाला बोर्ड मिलता था उस पे काफी अच्छा एक हीट सिंक रहता था, जिसके कारण तब जो भी 4440 बोर्ड मिलता था काफी दिन तक चलता था। मेरे पास अभी भी उस 4440 बोर्ड है जिसका मैंने अभी तक आईसी चेंज नहीं किया है, क्योंकि उसका हीट सिंक काफी अच्छा था। तो आज की डेट पे जो भी बोर्ड मिलता है उसका भी आईसी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको जो हीट सिंक है उसको बड़ा करना पड़ेगा, तभी उस आईसी का लॉन्गजीविटी बढ़ेगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा खराब होगा। और एक बात, जो भी आप 4440 बोर्ड ले, अच्छा वाला ले या फिर बुरा वाला ले, जो भी प्राइस रेंज पर आप ले, उसके साथ जो भी आईसी रहता है वो सबसे बेटर आईसी होता है। आप मार्केट पे जितना भी प्राइस खर्च कर लीजिए आपको उस तरीके का आईसी नहीं मिलेगा, वो आईसी जो उसके अंदर रहता है वो काफी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू मार्केट में जो भी आईसी मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा, आप अगर अच्छा क्वालिटी का हीटसिंक वाला अगर 4440 बोर्ड मिलता है तो ही लीजिए, या फिर आप 30-55 वाला बोर्ड ले लीजिए, क्योंकि इस पतला हीटसिंक के कारण आईसी अगर आपका खराब हो जाए तो आप उसका आईसी चेंज करते करते पागल हो जाएंगे और आपका जो बोर्ड का प्राइस है उससे काफी ज्यादा आपको पे करना पड़ जाएगा सिर्फ आईसी चेंज के लिए। और आप अगर ज्यादा बेस चाहते हो तो आपके लिए इस 4440 बोर्ड काम में नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ पॉइंट था जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर 4440 बोर्ड ही आपका बजट है तो आपके लिए अच्छा क्वालिटी का हीटसिंक वाला, हीटसिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, सबसे बड़ा हीटसिंक लगा हुआ आप बोर्ड लीजिए, आपका बोर्ड बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मैं यहाँ पे जो भी कहा हूँ आपको नोटिस करना होगा, तभी आपका 4440 बोर्ड अच्छा चलेगा, नहीं तो आप 4440 बोर्ड को मत खरीदे, नहीं तो आप आईसी चेंज करते करते पागल हो जाओगे। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।